खबर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। अगर यहां तक पाकिस्तान के लोगों ने सुन लिया है तो आगे भी सुन लीजिए कि कैसे भारत की सेना ने तहलका मचाया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। फ्रेंडली स्टॉप ओवर का मतलब हुआ कि ब्रिटेन की लंबी यात्रा से पहले इन विमानों में फिर से ईंधन भरा जा सके और इनकी मेंटेनेंस भी की जा सके। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है, लेकिन यहां तो अचानक वक्त ही पलट गया, जज्बात ही पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है, उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की यह टीम रात भर सऊदी अरब के एयरबेस पर रुकी और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन में एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयरबेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है। बहरहाल पाकिस्तान को इसके बाद एक और झटका लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला ओमान पहुंच गई। भारतीय सबमरीन ने ओमान के बंदरगाह पर डेरा डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्ध पोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती रहती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इलाकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत की सबमरीन से पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया है।